दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिनको चाहा वही बेवफा हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिनको चाहा वही बेवफा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हम टॉपिक लिए हैं परिवर्तन। देखिए दोस्तों, परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। ऐसे मनुष्य स्वयं भी परिवर्तन कर सकता है, इसे मनुष्य स्वयं परिवर्तन कर सकता है। अगर स्वयं परिवर्तन करेगा तो मेहनत करके, रात दिन परिश्रम करके वो अपने समय को परिवर्तन कर सकता है। आज अच्छा दिन है, आज खराब दिन है, तो वह अच्छे दिन के लिए परिश्रम करें, रात दिन मेहनत करें, तो अच्छे दिन आ सकते हैं। परिवर्तन करके हम अच्छा दिन ला सकते हैं। लेकिन यही परिवर्तन अगर प्रकृति करती है तो बहुत दयनीय स्थिति कर देती है वह, क्योंकि आप परिश्रम करेंगे नहीं तो कोई भी चीज़ बिना परिश्रम का, बिना परिश्रम के नहीं प्राप्त होती हैं। देख लीजिए, कोई भी चीज़ हो और बिना परिश्रम के नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जयकार नहीं होती। तो दोस्तों, कुछ करना है तो उसके लिए रात दिन परिश्रम करके अपने समय को परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम भाग्य भरोसे, अगर हम अपने कर्म पर विश्वास कर रहे हैं, कर्म विश्वास करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भाग्य के भरोसे हम बैठे रहेंगे कि अब हमारे भाग्य में लिखा रहेगा तो हमारा अच्छा दिन आएगा, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह अच्छा दिन आए भाग्य में। इसके लिए हमको स्वयं को परिश्रम करना पड़ेगा, स्वयं को आग में तपाना पड़ेगा कि हम हर स्थितियों में परिश्रम करें। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, चाहे वो किसी कला के क्षेत्र में, दोस्तों वह रात दिन परिश्रम किए हुए हैं, तब वह जाकर के आज उच्च श्रेणी पर पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। परिश्रम का जो फल होता है बहुत मीठा होता है, और हमें रात दिन एक करके परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करेंगे तो हम उच्च शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत लोगों ने प्राप्त किया है। अगर प्रमाण जानना हो तो किसी भी जो सफल आदमी हो उनसे पूछ लीजिए कि आपकी सफलता का राज क्या है। दोस्तों, वह रात दिन मेहनत किया हुआ है, वह रात दिन परिश्रम किया हुआ है, वह रात को रात नहीं जाना, दिन को दिन नहीं जाना, वह तब जा करके वह उच्च शिखर को प्राप्त किया हुआ है वह। तो आप लोगों से मेरी यह विनती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाई लिखा कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में हैं तो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हो, पढ़ने वाले छात्र हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई आर्टिस्ट है, कला का जानकार है तो कला के क्षेत्र में, कोई संगीत का छात्र है, संगीत का जानकार है तो संगीत के क्षेत्र में। लेकिन विशेष रूप से हम कक्षा 10वीं 12वीं सभी के लिए
छठवीं सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं जितने भी बच्चे हैं सभी को मैं यह समझा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो अपने समय को बर्बाद ना करें। देखिए दोस्तों, अगर समय बर्बाद करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर समय आपको बर्बाद करेगी तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। तो समय को बर्बाद ना करें, रात दिन लग के पढ़ाई करें। एक शिक्षा ही ऐसा चीज है जिससे हम किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे सभ्यता हो, संस्कार हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, विवेक हो, कोई ऐसी चीज हो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमें सब कुछ दिला सकती है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, करवध निवेदन है कि आप लोग अपने समय को बर्बाद न करें। कक्षा दसवीं छात्री, दसवीं बारहवीं के छात्र, बोर्ड का पेपर नज़दीक है, आप लोग मन से और तन से, धन तो है नहीं आप लोगों के पास, मुझे मालूम है आप लोग छात्र का जीवन है, छात्र जीवन में कहाँ से धन पाएंगे आप लोग, लेकिन तन से और मन से आप लोग पढ़ाई करें, सफलता के उच्च श्रेणी को प्राप्त करें। मेरी ही विनती है और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मन लगा के पढ़ाई करें दोस्तों। और इस अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।